हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एनवायरनमेंट का और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ये वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे हम अपना 1 लाख ट्री प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट है वो चला रहे हैं, जहाँ से हमने अपना पहला ह्यूमन मेड जंगल बनाने की शुरुआत करी है। जितना बड़ा ग्राउंड ये आप देख रहे हैं, इतना बड़े 2 ग्राउंड पेड़ हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज 1 अगस्त है और वो जो ग्राउंड आपने लास्ट वीडियो में देखा था, वो ग्राउंड उधर सामने है। उतने बड़े 2 ग्राउंड हम कवर कर चुके हैं पिछले मात्र 15 दिनों में। और उसके बाद हमने इस ग्राउंड पे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ऐसे दो पट्टियाँ, दो जो हैं लेन, हमने रोज़ लगा दी हैं पेड़ों की। और उसके बाद हमारा थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहा था यहाँ के वन विभाग से, जिन्होंने हमें लैंड प्रोवाइड करवाई है, तो उन्होंने हमें कहा कि वहाँ पेड़ ना लगा के हम वो पेड़ यहाँ लगाएं। फिर यहाँ हमने 2-3 रोज़ लगाई पेड़ों की। फिर उन्होंने हमको यहाँ भी मना कर दिया कि यहाँ पे वो अपना कोई प्रोजेक्ट चलाएंगे वन विभाग का, जिसमें वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से ट्री प्लांटेशन करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जितनी लैंड हम देख रहे हैं वीडियो में, वहाँ तक, जहाँ तक ये आप लैंड देख सकते हैं, या इधर से लेकर उधर तक, ये सारी लैंड उन्होंने हमारे को दे दी है ट्री प्लांटेशन के पर्पस के लिए, कि हम जो अपना ह्यूमन मेड जंगल है वो यहाँ बना सकते हैं। ये सारे जो आप हरियाली देख रहे हो वीडियो में, ये हरियाली नहीं है, ये सब वीड्स हैं। इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है एनवायरनमेंट में। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि इन सबको यहाँ पे पहले साफ़ कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पर सिमेट्रिकली पेड़ लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पूरी रो चल रही है। हम अभी इधर से लेकर इधर तक आए हैं पेड़ लगाते हुए। हमें अभी कुछ दिन हुए हैं इधर पेड़ लगाने शुरू करे हैं हमने। तो अभी क्या है कि पहले हम ये सारी वीड्स जो हैं क्लियर कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे हम एक पैच बना के ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, ताकि जो सनलाइट है उससे हमारे पेड़ को प्रोटेक्शन मिल सके और मॉइस्चर रिटेन कर पाए हमारी सॉइल और हमारी जो प्लांट है उसकी लीव्स और स्टेम, क्योंकि जो ये वीड्स हैं ये उसको थोड़ी सी शेडो प्रोवाइड करेगी और दूसरे जानवरों से बचाने के लिए कैमोफ्लेज करेगी हमारे प्लांट को, क्योंकि हमारा प्लांट भी ग्रीन है और ये वीड्स भी ग्रीन हैं। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा ये हमारे को हेल्प भी कर रही हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में, हमारे शुभ कार्य में। तो जब ये अनवांटेड प्लांट्स, ये वीड्स इतने बड़े प्रोजेक्ट में, इतने शुभ कार्य में अपना सहयोग दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सहयोग करने के लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे 9997448667 पे आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और वो आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे बैठे इस महायज्ञ में आहुति डाल सकते हैं, इस महाशुभ कार्य का भाग बन सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। हमारे इस साइट तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन इस साइट की खासियत यह है, इस जगह की खासियत यह है कि इसमें साइड में हमारे गंगा जी बह रही हैं, जो इस लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। और ये पूरा जो लैंड है, इसकी बाउंड्री हो रखी है उधर भी और इधर भी, जैसे आप देख सकते हैं कि ये फेंसिंग हो रखी है, तो ये दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड लैंड है, जिस वजह से यहाँ पर कोई एनिमल इंटरफेरेंस नहीं है और ह्यूमन डिस्टरबेंस तो यहाँ पर है ही नहीं। भले ही हमें बहुत दूर आना पड़ता है यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए, और इस लैंड पे जो मेहनत है वो पिछली वाली लैंड से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो आप लैंड देख रहे थे, उस लैंड पे प्रॉपर ट्रैक्टर वगैरह चलवाया हुआ था पहले से ही और उसको, सॉइल को बहुत लूज़ किया हुआ था। पर इस लैंड पे अभी बहुत ज़्यादा जो है वीड्स हैं, पत्थर वगैरह हैं, जिस लिए हमको मेहनत यहाँ पे ज़्यादा लग रही है पहले वाले लैंड से। पर हमारे ह्यूमन मेड जंगल के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, इससे बेटर लैंड पूरे हरिद्वार में या फिर मतलब पूरे प्लेन एरिया में, उत्तराखंड के कहीं भी नहीं मिलेगा। पहाड़ों की बात तो अलग है, फिर वहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम होती है, पर
पाँच सालों से जो लैंड हम ढूंढ रहे थे एक ह्यूमन मेड जंगल बनाने के लिए, वो हमको इस साल वन विभाग द्वारा जो मिली है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप सब लोगों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हम आज ये प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं और इतने लाखों पेड़ लगाने का हमारा जो संकल्प है हम पूरा कर पा रहे हैं। ये पूरा लैंड जो आप देख रहे हैं, इस पूरे लैंड पे अभी मात्र 10 दिनों के अंदर पूरे पेड़ लग जाएंगे। इनमें गड्ढे हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमने गड्ढे अभी वीड्स नहीं हटाई है वहाँ से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और एक बार हमारे इस प्रोजेक्ट का भाग बने और इन्जॉय करें नेचर को, एनवायरनमेंट को। और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये वीडियो शेयर करवाएं, उनको हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और उनसे हमारी वीडियोस लाइक करवाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। और फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको ये सारे पेड़ करीब से दिखाएंगे। थैंक यू।